दोस्तों हम ना प्रसाद बांटने के लिए जा रहे हैं। सर बोले हैं प्रसाद नहीं यार, अच्छा सूता है इसका नाम, ये भगवान करे सब। ये कितना सारा फोन है इसी से आप लोग समझ सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों फाइनली मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खुल गया और ये दोस्तों किनका मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खुला है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सुनील भैया आप मोबाइल रिपेयरिंग शॉप के हैं। तो दोस्तों वो आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही दोस्तों हमारे गुरु जी से आप सभी को मिलाऊंगा और परिचय कराऊंगा। तो दोस्तों आप लोग इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो अभी दोस्तों इस दुकान की पूजा हो रहे हैं। ऐसे दोस्तों पहले दूसरी दुकान थी यानी कि ओल्ड, तो ये टूट करके ना बना है नया, क्योंकि नया समय के साथ चेंज होना भी चाहिए। तो अभी दोस्तों इस दुकान के हमारे गुरुजी पूजा कर रहे हैं और आप लोग देखिए किस तरह से पूजा करते हैं। और आप लोग दोस्तों इस पूरा ब्लॉग को देखिएगा, कुछ सीखने के लिए कुछ जानने के लिए मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये गुरुजी हैं जो हमें सिखाए हैं। और ये दिल के ना बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही प्यारे इंसान हैं। मतलब भेदभाव किसी चीज़ का ना करना, न किसी चीज़ का घमंड होना, मतलब ऐसा चीज़ इनमें है ही नहीं। कितने स्टूडेंट को ये लाइफ बना भी दिए हैं। तो आधा पूजा दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे गुरुजी हैं जो अभी ना जल छिड़काव करें ताकि जो कि आसपास के ज़मीन शुद्ध हो जाए। और यहाँ पे ओम बना रहे हैं, ताकि ओम बनाना दोस्तों हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई शुभ कार्य करते हैं तो ये देखिए अभी धूप जला रहे हैं हमारे गुरुजी हुमाद। और हुमाद जलाने के बाद दोस्तों करीब करीब पूजा कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आरती होते हैं। तो दोस्तों अभी फाइनली यहाँ पे आरती हो रहे हैं और देखिए पंडित जी हैं जो आरती गा रहे हैं, सभी लोग गा रहे हैं। ये हमारे गुरुजी के पापा जी हैं, नाना जी हैं, मामा जी हैं, ये सब लोग आए हुए हैं, मम्मी जी हैं, सिस्टर जी हैं, ये सब लोग आए हुए हैं यहाँ पर जो कि दुकान की ओपनिंग के लिए। और ये देखिए हमारे गुरुजी हैं, बड़े गुरुजी, ये भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, क्या ही बताएं दोस्तों। और ये देखिए अभी माँ लक्ष्मी कंगन बनवा रहे हैं, हेन बंदो बलि राजा दान इंद्रो महाबल तीनों ताम प्रति वचन सूता नहीं यार, अच्छा सूता है इसका नाम, ये भगवान करे सब भगवान की कृपा मिले, आपके शरीर की रक्षा हो, इसका नाम रक्षा सूत्र है। दोस्तों आप लोग जान लीजिए रक्षा सूत्र है कि रक्षा हो शरीर की, क्या से, रोग से, कष्ट से, ग्रह से, दोष से, बाधा से, सब से जो है भगवान या धागा के रूप में आपके साथ रह करके आपकी रक्षा करे। तो दोस्तों भगवान की भोग लगाने के बाद गुरुजी हैं जो कि मुझे उठावन कर रहे हैं। अभी दोस्तों हम ना प्रसाद बांटने के लिए जा रहे हैं, सर बोले हैं प्रसाद बांटने के लिए, वही प्रसाद बांट रहे हैं। ये हैं दोस्तों हमारे गुरुजी के सिस्टर जी और यही हैं जो हमारे दीदी भी लगेंगे। तो यही हैं जो रिबिन काट करके ओपनिंग करेंगे। तो अभी दोस्तों यहाँ पर रिबिन कटिंग हो गए तो ये हमारे गुरुजी की सिस्टर जी हैं जो अभी रिबन काट के अंदर आए हैं शॉप में। दोस्तों हमारे गुरुजी का मोबाइल शॉप, तो सबसे पहले ये देखिए काउंटर जो इस तरह का बना है। अगर कोई मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोले हुए होंगे तो देख लीजिए सर कौन डिजाइन से बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये काउंटर बना हुआ है, तो यहाँ पर जो कि ईयरफोन ये सब है जो हमारे सर रखे हुए हैं अवेलेबल है। और अभी दोस्तों आप सभी को अंदर लेकर चलता हूँ यहीं से। तो ये है गेट यहाँ से अंदर जाने का, तो इसे हम ऐसे खोलेंगे, इसको मोड़ने के बाद अंदर। और दोस्तों अभी देख सकते हैं अभी ही पूजे हुए हैं, तो उसके बाद यहाँ पर आप सभी को दिखा देता हूँ दोस्तों इस तरह का अभी बनाया गया। और इसमें ना और चीज़ है जो कि पार्ट्स जो कि लगाएंगे। और दोस्तों इधर चलते हैं और इधर वाला में देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों टेम्पर ग्लास है जो सवल है, बैक कवर है जो अवेलेबल है, और अच्छे अच्छे वाले जो कि टेम्पर ग्लास है यहाँ पर अवेलेबल है। और साथ ही दोस्तों आप सभी को ये सब फ़ोन दिखा देते हैं। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा फ़ोन है, और इससे भी दोस्तों एक बोरा था वो हम मतलब काम का नहीं था, तो वो दूसरे जमा पे रखा हुआ है। और देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा फोन, ये कितना सारा फ़ोन है, इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा दुकान है, अच्छे हैं। और साथ ही दोस्तों मैं मोबाइल रिपेयरिंग सीखा हूँ यहीं पर, वो देखिए उधर है और उधर है दोस्तों, और इधर भी रखा हुआ है। और हमारे सर का काउंटर आप लोग सबसे पहले देख लीजिए। तो आप सभी को ना अपने सर जी का काउंटर दिखाते हैं और कौन कौन से यहाँ पे जो कि मशीन है जो अवेलेबल है,
और क्या काम करते हैं दोस्तों, वो भी आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हम सभी को बैक एम एस दिखाता हूँ ताकि आप सभी को ना समझने में बहुत ही ईजी हो जाएंगे। मोबाइल यूज करते होंगे तो आप सभी को जानना जरूरी है कि आपका मोबाइल कैसे बनता है, तो इसी प्रोसेस से दोस्तों आप सभी का मोबाइल बनता है जो सर जी बता रहे हैं। जो मोबाइल पानी में गिर करके आता है तो ब्लोअर से सर हीट किया जाता है और उसको सुखाया जाता है बोर्ड को। और इधर है दोस्तों, यहाँ पर टच फोल्डर जो लगते हैं ना, यहाँ पर देख सकते हैं वैक्यूम मशीन है, टच फोल्डर कट करके जो लगाए जाते हैं, निकाले जाते हैं, जो डिस्प्ले आपका होता है टच डिस्प्ले, इसी मशीन से किए जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं और भी सारे टूल्स हैं जो यहाँ पर देख सकते हैं, इधर है टूल्स है और जो कि रखा हुआ किधर मैट, जो कि दोस्तों आप सभी को अगर कहीं पर रिपेयरिंग करवाते हैं तो ये दोस्तों एक प्रोफेशनल तरीके से हो गया ताकि कस्टमर का एक सामान भी इधर उधर ना हो। हाँ तो सर अच्छे से सभी जिनका भी मोबाइल बनाते हैं बहुत अच्छे प्रोफेशनल तरीके से बनाते हैं कि इधर उधर पार्ट्स ना हो। और बहुत सारे दुकान में होते हैं जो कि जैसे तैसे रख देते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता है हमारे गुरुजी के पास। आप लोग देख ही सकते हैं कि किस तरह का है दोस्तों। आप सभी को ना हमारे सर जी जो कि आप सभी कुछ बताएं, क्योंकि दोस्तों आप लोग ना हमारा वीडियो फ़ोन पे देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका मोबाइल ख़राब होता है, तो आप लोग किस बात का ध्यान रखें ये गुरुजी, हमारे गुरुजी आप सभी को बताएंगे। यानी कि दोस्तों हमारे YouTube के चैनल के माध्यम से ये बहुत ही अच्छी बात है और आप लोग को जान लेना चाहिए कि किस तरह से आपका मोबाइल फ़ोन बनता है, और या फोल्डर हो या डेड कंडीशन में या किसी भी कंडीशन में तो कैसे बनता है वो सर जी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये मेरे गुरु हैं। तो गुरु से ज़्यादा मतलब जानिए, हमारे गुरु से वो बेस्ट रहेगा। तो सर आप सभी को बताएंगे, तो बैक कैमरे से दोस्तों आप सभी को बताएंगे गुरु जी। देखिए कहीं भी फोन आप बनवाने जाइए ना, तो देखिए कि आपके पास वो जो बंदा फोन बना रहा है उसके पास टूल्स कौन कौन सा है, ठीक है। टूल्स मतलब आप उसके पास ब्लोअर अच्छा ढंग का होना चाहिए, अच्छे ढंग का ब्लोअर। देखिए अच्छे ढंग का ब्लोअर इस तरह का आता है, ये छोटा ब्लोअर होता है, बड़ा वाला क्या काम होता है सर? ये इससे फोन का काम होता है, इससे फोन का आधुनिक वाला इसका काम होता है, ठीक है ना। बड़ा डैमेज हो गया या फोन का आईसी निकालना हो तो ये जो ब्लोअर है आपका फोन खराब होने से बचाता है, ठीक है। एक बड़ा ब्लैक रंग का ब्लोअर आता है जो 1000-1200 रुपये का आता है, वो ब्लोअर आपका बहुत खराब कर देता है, ठीक है ना। ये ब्लोअर आपका बहुत फोन को बचाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा नंबर में आगे डीसी पावर सप्लाई, ठीक है। डीसी पावर सप्लाई आपको फ़ोन देखिए कि फ़ोन आपका बंदा जो फ़ोन बनाने के लिए आप दे रहे हैं उसको तो किस चीज़ से चेक कर रहा है, किस चीज़ से चेक कर रहा है, किस चीज़ से चेक कर रहा है। क्योंकि कहीं भी फ़ोन दीजिएगा बनाने के लिए तो बंदा चेक करेगा फ़ोन पे, चेक करने के बाद ही बताएगा कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। मीटर भी ढंग का उसके पास होना चाहिए, मतलब कि फ़ोन देखिए मैकेनिक का मीटर है ये दोस्तों, मीटर है, इसी से चेक किया जाता है कि फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है और वोल्टेज जो कि नापने के लिए, प्रेस करने के लिए जी इसी मीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये इस डीसी पावर सप्लाई का काम है, ये आपका आधा सॉर्टिंग बता देगा, सॉर्टिंग बताएगा फ़ोन ख़राब है, किस हद तक ख़राब है, ये फ़ोन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये आधा काम ये डिजिटल है ना, ये सब बता देता है, ठीक है। उसके बाद इसमें ज़्यादा बैटरी की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसमें सब में स्टोर लगा हुआ है, ठीक है, सब में केबल लगा हुआ है। हाँ इनबिल्ट बैटरी आ गया फ़ोन में, अब सब इनबिल्ट बैटरी आ गया, तो इसमें आपको निकालने का जरूरत नहीं है मोबाइल, ठीक है ना। थोड़ी बैटरी का जरूरत नहीं है, बहुत सारा दुकान में सर निकाल देते हैं। हाँ तो आपको इसमें आराम से आप इससे आपको चेक हो जाएगा, ठीक है ना। उनका तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सर हैं जो कि अपने कस्टमर को अच्छा सर्विस देने के लिए ये सब केबल का यूज करते हैं ताकि कस्टमर का फोन खराब ना हो, फोन खराब ना हो ज़्यादा प्रॉब्लम। आप इतना ही वोल्टेज सप्लाई दें इतना फोन आपका खराब ना हो, ठीक है ना। डिजिटल का प्रयोग करेंगे तो फोन आपका खराब कम होगा, ठीक है ना। आप सभी को बताता हूँ, तो ये है दोस्तों वैक्यूम, यानी कि दोस्तों वैक्यूम सेपरेटर मशीन बोलते हैं सर। और ये है जो कि टच फोल्डर काटने का काम करता है। जैसे कि आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे लोग जिनका टच फूट जाता है ना, तो वो बहुत सारे दुकानदार में के पास जाते हैं रिपेयर के लिए, तो वो सीधे फोल्डर बदल देते हैं यानी कि कॉम्बो, और उनसे ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। तो आप सभी को बताना चाहूँगा मेरे YouTube फैमिली के लिए कि अगर आपका टच प्रॉब्लम है तो आप सीधे बोलिएगा कि मेरे को टच बदलवाना है, ना कि दोस्तों वो डिस्प्ले है। नहीं तो दोस्तों आप सभी को क्या होता क्या है कि आपका डिस्प्ले वही रहेगा और टच बदल करके दे देते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें। और ये दोस्तों ये फोल्डर मतलब काटने का काम करते हैं। तो ये है मशीन जो कि वैक्यूम मशीन है, और यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, और आप सभी को इधर का नज़ारा आप सभी को दिखाता हूँ और आप सभी को समझाता हूँ। और ये इधर है दोस्तों इनबिल्ट बैटरी, जो दोस्तों आप सभी के मोबाइल के अंदर रहते हैं बैटरी, वो वाला बैटरी है। तो बहुत सारा यहाँ EMI का है, यानी कि दोस्तों EMI का ज़्यादा बैटरी है, यानी कि EMI का बैटरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं, और भी कंपनी के यहाँ पर हैं। तो देखिए ये EMI का है, ये सब है जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। और दोस्तों मैं घर आकर के वॉइस ओवर कर रहा हूँ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ थे, इस चलते
नहीं कर पाए। ये देखिए सारा EMI का है और भी कंपनी का है, क्योंकि EMI ज़्यादा ख़राब होता है ना, इसलिए EMI का रखते हैं ज़्यादा। सर बार याद जाती है दोस्तों आप सभी को, जिस तरह से हम अपने गुरुजी के शिष्य हैं उस तरह से दो को शिष्य और आए हुए हैं, जो कि दोस्तों मुआ जो कि पहले पुराना था इसी जगह पे नया, क्योंकि समय के साथ इंसान को अपडेट होना चाहिए। आप लोग भी अपडेटेड वीडियो खोजते हैं कि कुछ नया कीजिए, जिस तरह से सर नया अपने हिसाब से बनाए हैं, तो जिस तरह से दोस्तों हम सीखे हैं उस तरह से भैया हैं जो सीखे हैं, ये भैया और ये भी भैया सीखे हैं, रिसेंटली अभी सीख ही रहे हैं और कुछ दिन की ट्रेनिंग भी हो चुकी है, तो ये अपना नाम बताएंगे और साथ ही मतलब सीख करके हमारे गुरु जी से कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और बताने से पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। हाँ। मेरा नाम बंडी कुमार हुआ और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। जी जी। और सर को मैं करीबन 11-12 सालों से जान रहा हूँ। जी जी। और मैं इनके पास डायरेक्ट, मैं यहीं के पास आया और मैं इनसे एडवाइस लिया, वे बताएं मुझे कि ठीक है ऐसे ऐसे करो। मैं इनके पास से तीन महीने हो गया मुझे इनके पास में, तो सीख रहा हूँ। दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस है। जब मोबाइल फ़ोन आया था ना, छोटा वाला बटन वाला एक चोंगा टाइप करा रहा था, उस समय से गुरु जी मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं और ये बचपन से ही जिस तरह से मेरा एज है ना उसी तरह से कर रहे थे अपना स्टडी कम्प्लीट करने के बाद, और अभी सिखा रहे हैं हम लोगों को। और भी शिष्य जो कि हैं वो नहीं आ पाए अपने अपने जगह पे, वो मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं और ये भैया से लिए। और आपका क्या नाम हो भैया? हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम राज है, मैं यहाँ पे एक हफ्ता से सीख रहा हूँ। एक हफ्ते मेरे गुरु जी हैं, मैं उनके 4 साल से जान रहा हूँ, बहुत अच्छा मोबाइल का रिपेयरिंग करते हैं, बहुत अच्छा से सिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यकीन मतलब हो गया होगा, ऐसे तो आप लोग पहले भी वीडियो देखे होंगे, हम यहाँ पर आकर के यही गुरु जी से सीखते थे, लेकिन जो जिनको भी सीखना हुआ होगा अगर आप लोग लोकल एरिया से होंगे तो आप लोग दोस्तों पुनपुन में आ सकते हैं, पता पुनपुन में आकर के मेन चौराहे पे अमन मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर बोलिएगा तो आप लोगों को पता मिल जाएगा, बगल में ही है। यहाँ का नज़ारा कुछ आपको दिखा देता हूँ, बैक कैमरे से दिखा दूंगा। दुकान हो रहे हैं क्लोज, रात होने वाले हैं, कुछ देर में रात हो जाएंगे, इस चलते उसके बाद दुकान बंद होंगे, उसके बाद दोस्तों सर चले जाएंगे घर और हम अपने चले जाएंगे घर। तो दोस्तों दुकान हो रहा है बंद और उसके बाद निकलेंगे घर। तो दोस्तों शॉप तो हो गया बंद, तो चलिए आप सभी को ना अब सीधे हम घर पे मिल करके अच्छे से बात करते हैं। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट दिन शूट कर रहे हैं और अभी हम नहा करके फ्रेश हो चुके हैं, शर्ट देखिए गुड़िया जी वाला हम पहन लिए हैं, क्योंकि इमरजेंसी में गुड़िया जी का ही शर्ट मेरे को काम देता है। और दोस्तों आप लोग जैसे वीडियो में देखे कि मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, तो बहुत लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये किनका शॉप है, तो आप सभी को बता दूं कि ये दोस्तों मेरा नहीं है, हमारे गुरु जी का है। गुरु जी यानी कि दोस्तों जहाँ पे मैं मोबाइल रिपेयरिंग सीखा हूँ उन्हीं का है, क्योंकि दोस्तों उनसे अच्छा खासा रिलेशन बनाए हुए, ये ना कि हम सीखने के बाद मतलब ख़राब तरह से व्यवहार करना, ये सब नहीं, उन्हीं की जगह से हम सब कुछ सीखे किस तरह से कैसे इंसान से बात करना चाहिए, जो भी बहुत अच्छे मोटिवेट करके काम में मतलब आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे सर है। और दोस्तों वो शॉप जो कि गुरु जी खोले हैं, क्योंकि पहले पुराना था उसे तोड़ करके नया बना दिया गया और इन्वाइट किए थे तो गए थे। और साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दूं कि मैं जहां तक मोबाइल रिपेयरिंग मतलब किया हूं और बहुत लोग मतलब बता दिया हूं कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोलने वाला हूं, तो वहां पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुए हैं, सर बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुए, और आप सभी को पता है कि मेरे पास उतना पैसे नहीं है जहाँ पर मतलब पगड़ी दे सकूँ और खुद से उस तरह का प्रोफेशनल शॉप लगा दूँ या मतलब अच्छे जगह पर मिल पाए, ऐसे ऐसे बहुत दिक्कत हो रही है। अभी देखिए अगर भगवान करे कि हम भी उस तरह का प्रोफेशनल मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोल पाऊँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे मतलब उस तरह से बहुत सुंदर लग रहे थे। तो दोस्तों आप लोग दुआ कीजिएगा भगवान से कि हम भी जल्दी उस तरह का मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोलूँ, लेकिन ये मेरा नहीं, हमारे गुरु जी का मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोले हैं, ऐसे पहले ही था लेकिन टूट करके नया बना है, पहले पुराना था। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे और हमारे गुरु जी से भी मिल लिए होंगे, वही गुरु जी हैं जो मेरे को सिखाए हैं, बहुत ही अच्छे दिल के हैं और क्या ही बताऊँ, बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय। कोई भी क्यूरी है क्वेश्चन सवाल हो तो दोस्तों जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।